गाइस तो कैसे आप सब लोग, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हो YouTube रोशन ट्विटर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं Realme Narzo 20 Pro इस डिवाइस के बारे में, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या मुझे पहली बार देख रहे हो तो यार जरूर से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेटेस्ट वीडियोस आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। एंड दोस्तों अभी शुरू करते हैं इसके कैमरा से। तो कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप गाइस, एंड जो कि होता है 48+8+2+2 कुछ इस तरह से आपको कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के, तो फ्रंट कैमरा में हमें देखने मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एंड जो बैक कैमरा आता है तो वो ऑब्वियसली बात ही रियलमी फ्लैश के साथ आने वाला है। एंड दोस्तों अगर इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें देखने मिल जाता है मीडियाटेक का हेलियोस G95 वाला प्रोसेसर। एंड जो आपको पावर जो देने वाला है वो होने वाली है ऑक्टा कोर 2.5 GHz वाली पावर गाइस। एंड गाइस आपको ये देखने मिल जाता है दो ऑप्शंस में, जैसे कि 6GB 64GB एंड 8GB 128GB, ऐसे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे दो कलर ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, एक होता है ब्लैक एंड दूसरा होता है व्हाइट। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। एंड गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी जो होती है वो इसकी आपको जरूर देखने मिल जाती है 4500mAh की बैटरी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड जो कि चार्ज होने वाली है 0 to 100% 38 मिनट्स के अंदर बस, उसमें आपको ये डिवाइस जो है वो कम्प्लीट चार्ज होने वाला है, क्योंकि इसके साथ आपको मिल जाता है 65W का चार्जर गाइस, जो कि काफी ज्यादा बड़ा बड़ा आपकी डिवाइस को चार्ज कर सकता है। ठीक है, दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस डिस्प्ले की, इसके अंदर आपको डिस्प्ले जो देखने मिल जाता है वो लगभग 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड जो कि आता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया यार डिवाइस आप सभी के लिए यहाँ पे हो सकता है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके सिम में, तो इसके अंदर आपको देखने मिल जाते हैं ड्यूअल सिम नैनो प्लस नैनो, ऐसे दो सिम आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। इसकी जो एक्सपांडेबल जो मेमोरी होती है वो लगभग 56GB की आपको यहाँ पे एक्सपांडेबल मेमोरी यहाँ पे देखने मिल सकती है गाइस। तो गाइस ओवरऑल ये डिवाइस जिस तरह से है, जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया, इसके कैमरा के बारे में बताया, एंड ओवरऑल चार्जिंग के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में ऑलरेडी सब आप सभी को बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आप इस डिवाइस को लेना चाहोगे या नहीं चाहोगे, आपको क्या लगता है ये डिवाइस कैसा परफॉर्म करेगा। एंड मैं आप सभी को मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया गाइस।